गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अभिलाष कुमार पाठक फ्रॉम ट्रैगल सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रायपुर छत्तीसगढ़। दोस्तों, आज हम एक ऐसे नए टॉपिक को लेके आए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, स्पेशली ऐसे टेक्निकल पर्सन जो डीसी पीजीडीसी एमसीए बीकॉम एमकॉम या एमटेक बीटेक जो भी करते हैं और आईटीसीएस के बंदे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये आपने देख रहे हैं सर्वर रूम ऑफिस, शायद आपने इसको सिर्फ सुना है कि सर्वर होता है, लेकिन ये वर्क कैसे करता है, एक्चुअल में इसका एग्जिस्टेंस क्या है, आज हम लोग उस हर एक छोटी छोटी चीज़ों को रूबरू करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को सर्वर के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। सर्वर कोई मनुष्य के द्वारा बनाई गई कोई खेत का बीज नहीं है जहाँ पे आप बीज आपने डाले और वहाँ से आपको फल मिलना शुरू हो गया। सर्वर एक टेक्नोलॉजी ही का वर्ड है और टेक्निकल चीज़ ही कह सकते हैं, यही कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जिस प्रकार आपका एक नॉर्मल सीपीयू या मॉनिटर या कंप्यूटर होता है उसी प्रकार एक सर्वर कंप्यूटर भी होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि हमने कोई वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाई है या वेब एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं, उसे हम सर्वर की आवश्यकता पड़ती है उसको रखने के लिए। तो इन डाटा को रखने के लिए एक सर्वर इन स्पेस या जगह की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए आज हम उस सर्वर को एग्जिस्टिंग सर्वर को देखना चाहेंगे कि कैसे वो दिखता है। तो ये हमारा सर्वर रूम है। सबसे पहले प्रिकॉशन, सर्वर रूम के अंदर एंट्री करने से पहले आपको जो भी सूज वगैरह है आपको बाहर ही उतार के ही जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं एंट्री करता हूँ सर्वर रूम के अंदर। दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा स्पेस होता है जो कि एक सर्वर को ऑर्गेनाइज करके रखता है। कुछ इसमें कंटेंट जो आपको दिख रहे हैं सब कुछ सर्वर से रिलेटेड ही टूल्स हैं, आइटम्स हैं जो हमारे टेक्निकल पूरे के पूरे टेक्निकल आइटम्स यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। इसको मेंटेन करने के लिए इस रूम के अंदर एक एसी की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, जो कि जब सर्वर चलता है तो उसको कूलिंग करने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है, जिसमें कि इस एनवायरनमेंट के अंतर्गत एसी का भी एक अहम रोल रखता है। अब यदि हम बात करते हैं सर्वर की, तो ये आपके सामने जो दिख रहा है ये बॉक्स, ये ही आपका एक सर्वर का पार्ट है। एक्चुअल में ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने ही स्क्रीन के जस्ट सामने आपने मैंने मेंशन करके रखा कैमरे को, यही आपका सर्वर है। इसका यदि साइज बिट्स यदि आप देख रहे हैं तो देख सकते हैं ये काफी हाइटेड भी है, काफी लॉन्ग भी है, काफी वाइड में भी है। ये मशीन होती है, दैट इज अ मशीन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्वर के अंदर की बात, क्या क्या कंपोनेंट सर्वर के अंदर होते हैं उनको भी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सर्वर को ओपन करते हैं तो उसके लिए एक की होती है, उस की को हम यहां से ओपन करते हैं। हालांकि हमारा अभी वर्तमान में हमें इसको ओपन करके रखा है। इसके बाद आपने देख रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे ऐसे मशीनें हैं मतलब कि आपका एक ये बॉक्स है, ये आप मैंने जो ओपन किया ये पूरा एक अलमारी कह सकते हैं, अलमारी टाइप में है। उस अलमारी के अंदर पूरा सर्वर को सेटअप किया गया है। दोस्तों, यदि हम बात करते हैं तो सर्वर के प्रॉपर बैकअप के लिए हमें एक प्रॉपर एक यूपीएस की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमारे सामने ये दे रहा है जो पावर सप्लाई अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए कंटिन्यू काम करता है। इसी के साथ हम एक छोटा सा अपना एक लोकल होस्ट के लिए कह सकते हैं यानी आरडीपी, अक्सर आपने सुना होगा कि एक आरडीपी है, हम एक रिमोट एक्सेसिंग ले लेते हैं और सारा का सारा हमारा स्टाफ वर्किंग करता है एक रिमोट एक्सेस में, उसके लिए भी हम एक सर्वर बनाते हैं। ये भी एक सर्वर है, एक छोटा सा सर्वर कह सकते हैं जो कि हमारे लोकल एरिया या हमारे इंटरनेट प्राइवेट नेटवर्क कह सकते हैं, प्राइवेट जोन कह सकते हैं, जितने कर्मचारी हमारे काम करते हैं वो एक ही जोन में कनेक्टेड रहे, उसके लिए हम एक छोटा सा सर्वर ये भी बनाते हैं। ये भी सर्वर के कैटेगरी का ही पार्ट है, जिसे हम सरल शब्दों में आरडीपी कह सकते हैं। देन इसके बाद इसमें मैंने आपको हाईलाइट करके थोड़ा दिखा रहा हूं, ये जो ब्लिंकिंग कर रही है दोस्तों, ये एक राउटर है जो इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करता है जिसके माध्यम से। और यदि हम इंटरनेट की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपके सामने ये जो बॉक्स लगा है ये डीलिंक का हमारा आईओ बॉक्स है, जो कि नेटवर्क को मेंटेन करके रखता है, इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करता है। एक्चुअल में जिस सर्वर में आप खड़े हैं, जिस सर्वर की वीडियो है, इस सर्वर में जो इंटरनेट प्रोवाइड होता है वो जियो का ILL टावर के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए हम फिर से सर्वर की ओर मूव करते हैं। ये जो आप मशीन देख रहे हैं यही सर्वर, सर ये आपका सर्वर है।
ये आप देखेंगे इसका काफी लंबा चौड़ा है, मैं इसको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहां तक पूरा, ये सर्वर एक मशीन है। इस मशीन की बात करते हैं तो इसमें यदि हम बात करते हैं तो इसके कुछ पार्ट हैं, जैसे कि इसमें एसएसडी होता है, हार्ड डिस्क होता है, और एक सेपरेट मशीन कह सकते हैं जो कि सर्वर ही बनाए जाते हैं, नहीं इसे सर्वर मशीन ही कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, यानी दूसरे शब्दों में भी नहीं कहूंगा, दैट इज ऑल्सो यही सर्वर मशीन है। और चलिए हम इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। आपने देख रहे हैं ये, हमने जैसे इसको प्रेस करते हैं प्रोसेस हमारा चालू हो जाता है। अब आप नजर दौड़ा के विशेषली देखिएगा, यहाँ पे बेसिकली जो लाइटें ब्लिंक हो रही हैं यही ब्लिंकिंग लाइटिंग में कॉन्सेप्ट है, समझिए। इनमें से कुछ हार्ड डिस्क का पार्ट है, कुछ एसएसडी का पार्ट है, यानी कि इस सर्वर को प्रॉपर रन करने के लिए एक एसएसडी की भी आवश्यकता पड़ेगी और हार्ड डिस्क की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि मैं इस सर्वर की बात करूं तो इस सर्वर में लगभग 10 टेराबाइट के समथिंग आपकी हार्ड डिस्क लगी हुई है, और ऐसे कह सकता हूं कि 480 GB एंड 480, दो 480 480 की एसएसडी भी लगी हुई है जो कि स्पीड वगैरह को मेंटेन करती है। इसी सर्वर में बात करें तो इस सर्वर के अंदर 3 प्रोसेसर लगे हुए हैं, ध्यान रखना एक ही मशीन के अंदर 3 प्रोसेसर, ये 3 प्रोसेसर से इनबिल्ड है इस पूरा मशीन। इसमें इसको कूलिंग करने के लिए इसमें बहुत सारे फैन लगे हुए हैं ऑलरेडी, जो शायद आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये हमारे एक फैन का पार्ट है, ये भी यहाँ पे हमारे कुछ 4 से 5 हमारे फैन रहते हैं। और देखिए ये सर्वर स्टार्ट हो रहा है, इसकी वॉइस को आवाज को ध्यान सुनिएगा। यही एक सर्वर मशीन होती है दोस्तों, जहां पे हम अपना डाटा यानी वर्ल्ड वाइड वेब रखते हैं। जैसे यदि आप बात करें होस्टिंगर की, बिग रॉक की, गुड आईडी के, वो कुछ इसी प्रकार के सर्वर रहते हैं। यहाँ पे हमने आपको जो दिखा रहे हैं वो सिंगल मशीन है, वहाँ पे इसी प्रकार की मल्टीपल मशीन रहती हैं अकॉर्डिंग टू नीड। अब यदि बात करें हमारे जो क्लाइंट हैं, वो क्लाइंटों को यदि कोई डाटा रखना है, क्लाइंटों को डाटा को मेंटेन करवाना है, तो ये सर्वर ही पार्ट एक मेन पार्ट होता है जो डाटा को मेंटेन करके रखता है। दोस्तों ये हमारा कंपनी का खुद का सर्वर है जो कि क्लाइंट के डाटा को प्रॉपर सिक्योर करके रखते हैं, क्योंकि जैसे होस्टिंगर और गुड आईडी की बात करें वो थर्ड पार्टी बेस में हमको डाटा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये हमारा प्योर सिक्योर रहता है। जैसे कि कब कोई भी सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं किसी भी क्लाइंट के लिए, तो ये एक सिक्योर जोन कहलाता है कि उसी कंपनी का डाटा, कंपनी ने वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाया और उसी वेब एप्लीकेशन कंपनी के द्वारा ही सॉफ्टवेयर या प्रोवाइड किया गया।